ये आपके सामने क्वेश्चन और है जिसके अंदर आप देख सकते हो कि ये जो फंक्शन है ये यहाँ पर x की पावर 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 ऐसे इनफाइनाइटली जा रहा है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे करना है ये हम बताते हैं आपको, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है कि वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर, अब जो भी इसकी पावर है आप देखो ऐसे 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 लंबी जा रही है। तो अगर आप एक एक्स कम भी कर देते, देखो सोच के देखिए, अगर मैं एक एक्स इसमें कम भी कर दूं तो ये ऊपर अभी भी वाई तो है, ये समझ रहे हो आप, ये वाई तो है। तो यानी कि मैं यहां पर एक्स की पावर वाई लिख सकता हूं ऐसे, समझ गए। अच्छा अब यहां पर आप क्या करेंगे, क्योंकि ये आप देख सकते हो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो ऐसे में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज होता है। तो इसमें टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड्स, तो यहां पर हो जाएगा आपका लॉग वाई और यहां पर आपका लॉग एक्स की पावर वाई, या फिर यूं कहें वाई आगे आ जाएगा लॉग एक्स। अब आप डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां बनेगा वन अपॉन वाई डीवाई बाई डी एक्स, और यहां पर आपका लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स प्लस दूसरा फंक्शन लॉग एक्स और पहले फंक्शन y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय dx। और अब dy बाय dx एक काम करो इधर भेज दो, और इधर जब भेजोगे तो आपका dy बाय dx कॉमन आ जाएगा, तो 1 अपॉन y माइनस log x हो जाएगा यहां पर, और यहां पर बचता आपका y बाय x। तो दिस इंप्लाइज, अब यहां पर अगर आप एलसीएम ले लेते हैं साथ साथ और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स सोचिए क्या आएगा, तो वाई बाई एक्स तो रहना ही है, तो वाई जो नीचे रहेगा वो क्रॉस में ऊपर जाएगा, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर बनेगा वन माइनस वाई लॉग एक्स, तो ये अपॉन में आ जाएगा वन माइनस वाई लॉग एक्स। तो ये जो आपका आया है ये आपका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हो इसमें जो आंसर है आपका वाई में ही छोड़ा गया है, तो वाई में भी आप छोड़ सकते हो, ठीक है।